रेप हुआ और एक बीजेपी के एमएलए ने रेप किया, तब हम लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? शायद आज उसके घर के सारे लोग जिंदा होते। और क्यों हमारी सरकार सिर्फ स्टैचूज बनाने पर, राम मंदिर बनाने पर और हिंदू मुस्लिम करने पर बहुत ऊंची ऊंची आवाजें दिखाती है, लेकिन जब किसी लड़की का रेप होता है, जब बिहार में बच्चे मरते हैं, जब यूपी में गोरखपुर में सिलेंडर की वजह से, ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से बच्चे मरते हैं, तब कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। ये जितने भी सांसद में जितने भी लोग हैं, वो चाहे स्मृति ईरानी हो चाहे इनके जितने भी नेता हैं, वो लोग तब बहुत ऊंची ऊंची आवाजें उठाते हैं जब उन्हें राहुल गांधी को पप्पू कहना होता है, जब उनको आजम खान को गालियां निकालनी होती हैं, या नो मैटर जब उनको एक ओथ सेरेमनी में जय श्री राम के नारे लगाने होते हैं, तब सब लोग तेज आवाजें लगाते हैं, तब सब लोग बहुत तेज तेज बोलते हैं। इस चीज के ऊपर किसी ने भी अभी तक आवाज क्यों नहीं निकाली? स्मृति ईरानी की भी आई थिंक बेटियां हैं, क्या उनको इस वक्त आगे नहीं आना चाहिए था? जब कांग्रेस सरकार थी तब वो यहाँ पर सिलेंडर लेके बैठती थी ना, अभी वो क्यों नहीं आई यहाँ पर? सिर्फ एक छोटे थोड़े बहुत लोग क्यों आते हैं ऐसी चीजों के लिए? एक हाई प्रोफाइल केस में इस तरह की घटना हो जाती है, जब एक आम एक नॉर्मल सिटीजन के नाते आप जब सड़क पर निकलती हैं, तो आपके मन में क्या आता है? सी आई एम अ फियरलेस पर्सन जस्ट द वे दैट गर्ल वॉज, वो भी शायद फियरलेस ही थी, तभी अपने बाप की मौत के बाद भी वो डटी रही, लड़ाई करती रही, जितने भी विटनेस हैं उनको मार दिया गया, वो फिर भी नहीं रुकी। शायद मैं भी वैसी सी हूँ, लेकिन हाँ, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, हमारे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए डर लगता है, क्योंकि मुझे तो अब लिटरली यही लगता है शायद डेमोक्रेसी नहीं बची है, और अगर यही सब चलता रहेगा तो आगे आने वाली जनरेशन्स क्या करेंगी? कोई भी आवाज़ उठा ही नहीं सकता। आज शायद हमें आज़ादी है अभी फिलहाल कि हम यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी दे रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, हो सकता है थोड़े दिनों के बाद ये भी बंद हो जाए, शायद हम मेरे जैसे लोगों को भी नोटिस किया जाए और मेरे जैसे लोगों को भी मार दिया जाए, डेफिनेटली ऐसा होगा। जब आप मुझे बताइए, एक बीजेपी का एमएलए रेप करता है, उसके बाप को मरवा देता है, और उसके बावजूद एक सांसद, बीजेपी का सांसद, उसको जेल में मिलने के लिए जाता है, उसको थैंक्स बोलने के लिए, हम किस तरह का मैसेज दे रहे हैं समाज में? हम क्या बताना चाह रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं है, उसने गलत नहीं किया? या बीजेपी ये बताना चाहती है कि बीजेपी उनके साथ है, क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया गया? एग्जैक्टली, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्यों हमारे यहाँ ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है? आप मुझे बताइए, क्यों रेप इम्पोर्टेंट नहीं है? कितने रेप्स हो चुके हैं पिछले 5-6 सालों में, आप भी ये लोग जानते हैं, आप लोग तो कवरेज करते हैं, बहुत से जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, क्या हो रहा है उसके लिए? कौन से लॉज बने और कितने लॉज इम्प्लीमेंट हुए, आप मुझे ये बताइए। जितनी भी औरतें बैठी हुई हैं पार्लियामेंट में जो बीजेपी की है, लेकिन मौजूदा सरकार तो दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम अभियान चला रहे हैं, बेटियों को सुरक्षा दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ाई करा रहे हैं। सर, मौजूदा सरकार ने तो बहुत से वादे किए थे, क्या किया आप मुझे बताइए? आपके सामने है सब कुछ कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, क्या मिला है हमको इन 5 सालों में? एंड आई रियली आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि उसके बावजूद एक धर्म के नाम की यहाँ पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर वो लोग वोट मांगते हैं और लोग उन्हें वोट देते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर आई एम अ हिंदू, मैं ब्राह्मण हूँ, उसके बावजूद मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि आपका धर्म ह्यूमैनिटी है, सबसे पहले आप अच्छे कर्म करो, धर्म कुछ नहीं होता, धर्म बाद में आता है, ये सीख बाकी लोगों के अंदर क्यों नहीं दी जाती? और जो शायद होती भी होगी तो उनको खराब किया जा रहा है, उनके दिमाग में भरा जा रहा है हिंदुत्व को लेके, वो चाहे कोई भी धर्म हो। हमारे यहाँ एजुकेशन, अगर मॉब लिंचिंग्स हो रही है, मोदी जी उसके ऊपर चुप रहते हैं, जो लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं उनको लेटर भेजते हैं, उन लोगों को मीडिया सोशल मीडिया पे गाली दी जाती है, उनको लोग गालियां देते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी चुप रहते हैं, मोदी जी के जितने भी लोग साथ में काम करते हैं वो लोग चुप रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ, मैं जब ऐसी चीजों को रेज करती हूँ, आपको मालूम है मुझे कैसी कैसी गालियां मिलती हैं? मुझे सबसे पहले स्लट बोला जाता है, उसके बाद मुझे बोला जाता है तुम्हारा रॉन्ग अकाउंट है, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो मुल्ली हो। उसके बाद जब उस चीज के ऊपर भी मैं उनके साथ आराम से बहस करती हूँ, तो फिर मुझे कहा जाता है तुम पाकिस्तानी हो, तुम हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाओ। दिस इज द माइंडसेट पीपल हैव राइट नाउ। What's your name? Richa Sharma. You are my sister and I will say, आप बहुत बहादुरी का काम कर रही हैं और आप बहुत बहादुरी हैं। जो रिचा ने यहाँ पे बातें कही हैं वो जाहिर तौर पर हर लड़की नहीं कह पाती है,
और जिस तरह का जो समाज अभी चल रहा है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अगर रिचा जैसी लड़कियों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कल को अगर हर किसी में अगर झलकने लगेगा तो जाहिर तौर पर इसका जो अंजाम होगा वो वाकई भयानक होगा। तो ऐसे में सरकार को चेतना होगा और जिस तरह से जो ये जो लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, खास करके जो उन्नाव में जो चल रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, पीड़िता की जो जान है उस पर बनाई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आकर के स्टेटमेंट देना चाहिए कि उस लड़की के साथ में इंसाफ होगा, हम लोग उसके साथ में है, ताकि जनता के अंदर कुछ विश्वास हो। और हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, स्टेटमेंट तो वो आगे दे ही देंगे, उस पे एक्शन लीजिए ना। एक्शन चाहिए, उस जिस इंसान ने किया है उसकी जांच हो, और जब तक उसको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा उस लड़की और उसके घर वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लोगों को जो रेप करते हैं जब तक उनके मन में डर ही नहीं होगा फांसी पे लटकने का, वो लोग रेप करते रहेंगे। उनको मालूम है कि 4 दिन के बाद हमने छूट जाना है, वो कुछ भी करेंगे, और हो रहा है यहाँ पर। जब तक लॉज नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस मुजरिमों को पकड़ के लेके जाती है, उनकी बेल हो जाती है, वकील आते हैं, वो उनको लेके चले जाते हैं, वो बेचारे भी क्या करेंगे। हमारा ऊपर से सिस्टम खराब है ना, हमारे कानूनों को बदलो। 5 साल में ये कानून नहीं बदले गए इनसे, इतने सारे रेप्स हो गए, इतना सब। वी डोंट नीड स्टैचूज, प्लीज। हमें राम मंदिर, हमें हिंदुत्व, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें डेवलपमेंट्स, हमें बुलेट ट्रेन्स नहीं चाहिए। हमें एक लड़की के लिए सुरक्षा चाहिए, सेफ एटमॉस्फेयर। वी वांट सेफ एटमॉस्फेयर। सबको रोटी मिलना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। राम मंदिर जरूरी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। नहीं होता कुछ धर्म, सबसे पहले इंसानियत होती है, प्लीज जानो ये लोग सब। तो बिल्कुल, इस वीडियो को जो है आप चैनल के लिए मैं नहीं कहूंगा कि शेयर कीजिए, बल्कि रिचा की जो आवाज़ है वो आवाज़ बुलंद आवाज़ है और वो एक हर लड़की की आवाज़ होनी चाहिए। इसीलिए जो है इस वीडियो को जो है ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि रिचा की जो आवाज़ है वो देश की हर लड़की तक पहुँच सके और उसके अंदर भी जो है रिचा जितना ही हौसला आ सके, ताकि जो भी जो दरिंदे समाज में जो घूमते हैं और जो इस तरह की जो घटनाओं को जो अंजाम देते हैं उनके जो हाथ जरूर जो है वो कांपे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।